एक शहर जहां लोग अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। पुलिस सीरियल किलर का अनुमान लगा रही है, लेकिन तह तक नहीं पहुंच पा रही। नहीं, ये किसी साइको इंसान का काम नहीं है। और अगर कहा जाए कि ये खून कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि मर चुके लाशें कर रही है, तो मूवी स्ट्राइप के पिटारे से आज पेश है एक ऐसे ही ब्रिलियंट सस्पेंस से भरी हुई 2021 की साउथ कोरियन मूवी द कर्स्ड डेड मैन्स प्रे। डायरेक्टर किम योंग वॉन, आईएमडीबी 6। ऐसा घातक श्राप भला कौन और क्यों कर रहा है जिसकी वजह से लाशें जिंदा होकर लोगों का खून कर रही है। दोस्तों, हमारी एम्प्टी फैमिली, आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट से हम सभी यहाँ तक पहुँचे हैं। जो नए हैं और हमें सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा ना करे, सब्सक्राइब तो कर दो। आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहेंगे यार। तो फिर चलिए अभी फिलहाल ये कहानी सुनते हैं। किम जोंग नाम का एक आदमी अपने घर लौट रहा है। घर घुसते ही उसने देखा कि लाइट काम नहीं कर रही और कमरे की खिड़की भी खुली हुई है। उसे लगा कि कोई घर में चोरी करने घुसा है। वो आहिस्ते कदम से खिड़की की तरफ जाकर मामले की जांच करने लगा। तभी उसने अपने पीछे किसी को महसूस किया। एक हुडी पहना आदमी खड़ा है। किम ने एक गोल्फ स्टिक से उस पर जोरदार हमला किया, लेकिन अजीब बात है, इतने जोर के हमले पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। किम हैरानी से उसे देखने लगा और उसी वक्त उस आदमी के हाथ में एक चिन्ह उभरा और साथ ही साथ हाथ काला पड़ने लगा। वो किम पर इस तरह से हमला कर रहा है जो कि कोई साधारण इंसान तो नहीं कर सकता। किम डर के मारे पुलिस को जब फोन लगाने गया तो देखा उसके हाथ में बहुत बुरी तरह से छाले पड़ रहे हैं। उस आदमी ने किम को पकड़कर उसके गले में काटा, साथ ही साथ वो मारा गया। उस आदमी के भी पूरे शरीर में वैसे ही अजीब से छाले पड़ गए और धीरे धीरे उसकी चमड़ी उधेड़ने लगी। देखते ही देखते वो एक सड़ चुके लाश में तब्दील हो गया। अगले दिन इस मौत की खबर पूरे शहर में फैल गई। पुलिस की टीम इस खून की जांच पड़ताल कर रही है। ऑटोप्सी से सामने आया कि किम की मौत पीएसपी नामक जहर से हुई है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक जहर है। मगर इससे भी चौंकाने वाली बात तो ये हुई कि जिस आदमी ने खून किया है वो तो 3 महीने पहले ही मर चुका है। अगर पुलिस की यह बात सच है तो एक मरा आदमी कैसे जिंदा हो सकता है। इधर एक रेडियो स्टेशन में जिन्ही नाम की एक महिला सुपरनेचुरल पर लिखी अपनी किताब पर इंटरव्यू दे रही है। वो अर्बन डिटेक्टिव न्यूज चैनल की सहकारी सीईओ है और उसका पार्टनर है प्राइवेट डिटेक्टिव बिल सांग। यहाँ उससे काला जादू, श्राप और सुपरनेचुरल जैसी चीजों पर उससे सवाल किए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये सिर्फ एक अंधविश्वास और धोखा लगता है। इसी दौरान उन्हें एक कॉल आया, एक शख्स जो कल रात हुए खून की बात कर रहा है, जिसमें खूनी एक 3 महीने पुरानी लाश है और वो कहता है कि इस खून से वो जुड़ा हुआ है। ये सुनकर तो सभी के होश उड़ गए। वो अगले दिन ठीक 2 बजे जिन्ही को एक लाइव इंटरव्यू देना चाहता है। उसने एक पता जिन्ही के मोबाइल में भेजा। इसके बाद जिन्ही अपने ऑफिस पहुंची, जहां एक नई इंटर्न जेसी से उसका परिचय करवाया गया। वो जिन्ही की असिस्टेंट बनकर कैमरामैन का काम करेगी। अब बिना वक्त गवाए जिन्ही उसी किम के मर्डर केस के बारे में छानबीन करने लगी। उसके पार्टनर डिटेक्टिव पिलसांग ने बताया, किम सियोंगल फार्मा कंपनी में एक रिसर्चर के तौर पर काम करता था। फाइल देखते देखते जिन्ही की नजर उसी 3 महीने पहले मर चुके लाश के हाथ में पड़े निशान और उसके कपड़े में लिखा हुआ एक नंबर पर गया। फिर पिलसांग ने कहा, पुलिस अभी तक उसका नाम, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। तभी वहाँ पुलिस कैप्टन जियोंग सिंह आया और जिन्ही को इस केस से दूर रहने की हिदायत देता है। ये कोई साधारण केस नहीं है और वो अपनी बीवी को किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहता। जी हाँ, जिन्ही पुलिस कैप्टन जियोंग सिंह की ही बीवी है। जिन्ही के बहुत समझाने पर आखिरकार वो मान जाता है। उनके जाने के बाद अब पिलसिंग जिन्ही को एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक शैमन जापान में आत्माओं को भगाने के लिए एक अनुष्ठान कर रही है जिसका नाम सुजिन है, और जिन्ही उसे देखते ही पहचान गई। बहुत साल पहले जिन्ही ऐसे ही किसी सुपरनेचुरल गतिविधियों से जुड़े काम के सिलसिले में सुजिन से अनजाने में मुलाकात हो गई थी और फिर दोनों के बीच अच्छे संबंध बन गए। वो जो सारी चीजें उस दौरान उसके साथ घटी उसी के ऊपर ही उसने अपनी सुपरनेचुरल की किताब लिखी है। लेकिन अचानक एक दिन सुजिन गायब हो गई और उसके बाद से उसका किसी को पता नहीं चला। वो क्यों ऐसे गायब हुई और जापान में क्या कर रही है बहुत जल्द ही मालूम चलेगा। इसके बाद जिन्ही उसी कैफे में आती है जहाँ वो पहली बार सुजिन से मिली थी और कहानी अतीत में चली गई। पहली बार जिन्ही किसी शमन से मिली थी, लेकिन बाकी शमन से सुजिन में कुछ अद्भुत शक्तियाँ थी। वो अशुभ आत्माओं को अपने वश में करके
उसकी मदद से जिस किसी की भी तस्वीर या उसके इस्तेमाल की हुई कोई चीज या बस उसे छू कर ही बहुत ही आसानी से उसे मौत दे सकती है। जिन्हें ये सब सोच ही रही थी कि अचानक हुडी पहने हुए एक डरावना चेहरे वाला लाश उसके ऊपर हमला करता है, उसका गला दबाकर मारना चाहता है, लेकिन अचानक उस लाश का शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा और उसने सोजिन को देखा। सामने ऐसे सोजिन को खड़ा देख जिन्ही भी दंग रह गई। सोजिन के मुंह से एक भयानक चीख निकली। डर कर जिन्ही की आंखें खुली, उसकी जान में जान आई। एक बुरा सपना था, लेकिन इस सपने के पीछे भी एक मतलब है। अब अगले दिन जिन्ही इंटरव्यू के लिए उसी खूनी के भेजे पते पर पहुंची। खूनी कमरे में घुसकर सीधे इंटरव्यू देने बैठ गया। ये एक लाइव टेलीकास्ट है। मेरा नाम पार्क है। मेरे यहाँ आने का सिर्फ उद्देश्य है सबको सतर्क करना, क्योंकि आने वाले हर एक दिन लगातार ठीक दोपहर 2 बजे मैं 3 खून और करने वाला हूँ। सिंगल फार्मास्यूटिकल कंपनी के डायरेक्टर किम, सीईओ ली और सबसे आखिर में चेयरमैन सिंगल। मैं लाश को अपने वश में करके किसी को भी मार सकता हूँ, लेकिन अगर ये सब होने से रोकना चाहते हो तो चेयरमैन सिंगल को एक इंटरव्यू के माध्यम से साफ मन और दिल से माफी मांगनी पड़ेगी। इधर इंटरव्यू रूम में जिन्ही की सुरक्षा के लिए पहले से ही पुलिस तैनात थी, जो पार्क को वहां से जाने नहीं देती, इसलिए उसने वहां से निकलने के लिए जिन्ही को किडनैप कर लिया ताकि उसे गिरफ्तार न कर सके। जैसे ये सारी चीजें अपने कैमरा में कैद करने लगी। पार्क का जिन्ही को लिफ्ट में लेकर घुसने पर पुलिस कैप्टन जियांग सिंह भी उनके पीछे घुस गया। पार्क बुरी तरह से जियांग सिंह को मारने लगा। अपने पति को बचाने के लिए जिन्ही ने उसके पैर पर गोली मारी, पर हैरान इससे पार्क को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लिफ्ट से निकलते ही पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और तभी जिन्ही पार्क के हाथ में वही निशान को उभरते हुए देखती है। जिन्ही ने उसे पूछा, तुम मेरे पास ही क्यों आए हो? इसकी वजह तुम्हें ही तलाश करनी है। इतना कहते ही उसकी चमड़ी भी बिल्कुल वैसे ही मिट्टी की तरह निकलने लगी। ये आश्चर्यजनक दृश्य वहाँ खड़े सभी हैरानी से देख रहे हैं। अब यहाँ उसी फार्मा कंपनी के उच्च स्तर के अधिकारी पार्क के उसी इंटरव्यू को देख रहे हैं और पता चला कि पार्क उनके कंपनी में एक लैब रिसर्चर के तौर पर काम करता था। जब कंपनी के डायरेक्टर किम को पता चला कि सबसे पहले उसका ही खून होने वाला है, उसका डर कर बुरा हाल होने लगा। उन सबके बीच चेयरमैन तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी बेटी मिजोंग वहाँ है। अब डायरेक्टर मिजोंग को यह खबर जल्द से जल्द चेयरमैन को बताने को कहता है और उन्हें सबसे माफी मांगने को भी, लेकिन मिजोंग ऐसा करने से मना करती है क्योंकि इससे उनकी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ये तय हुआ कि वो इस वीडियो को इंटरनेट से हटा देंगे और डायरेक्टर के लिए कड़ी सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाएगा। इधर पुलिस को भी खोजबीन से पता चला कि पार्क 2 महीने से लापता था और इसी बात की तह तक जाने के लिए वो चेयरमैन की बेटी मिजोंग के पास पहुँचे, जिसपे मिजोंग बोली, इस पार्क के लापता होने की वजह से ही हमें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। जिस नई दवाई के ऊपर रिसर्च किया जा रहा था उस टीम का लीड पार्क ही था, और साथ ही ये भी पता चला कि सीईओ ली चेयरमैन सियांगिल का ही छोटा भाई है और सियांगिल के मौत के बाद ली ही इस कंपनी का नया चेयरमैन बनेगा। अब जिन्ही उसी चिन्ह के बारे में पता लगाने जुंग नाम के एक प्रोफेसर के पास आई। उन्होंने बताया कि इस तरह के नियंत्रण करने वाले काले जादू को जाचुई रिचुअल कहा जाता है, जिसमें लाश के हाथों को काला और एक चिन्ह बना दिया जाता है, जिससे कि वो एक जिंदा आदमी की तरह चलने फिरने बात करने लग जाता है। और ऐसे काले जादू बस इंडोनेशिया में ही होता है, तो जाहिर है वो शामन भी इंडोनेशियन ही है। लाश की जहाँ मृत्यु हुई है वहाँ की मिट्टी के साथ उस शमन के खून को मिलाकर एक मिट्टी का पुतला तैयार करना होता है। इसके बाद पास में लाश के नाखून या चूल रखकर मंत्र लिखने के साथ ही वो शमन के नियंत्रण में आ जाता है। अब पिलसिंग ने जिन्ही को जानकारी दी कि जिस लाश ने किम को मारा था वो 5 महीने पहले ही मर चुका हांग है। एक गैंग का भी पता चला है जो दरिद्र बेघर लोगों को इकट्ठा करती है और उसी से ही हांग के बारे में पता चला है। इनका लीडर अभी गैरकानूनी जुआ अड्डा खोलने के जुर्म में जेल में है। अगले दिन पिल उसी के पास सच्चाई जानने आया और एक बड़े राज का खुलासा हुआ। दरअसल इन गरीब बेघर लोगों को इकट्ठा करने के लिए स्विंगल फार्मा कंपनी उन्हें पैसे देती है। उनकी नई दवाई के एक्सपेरिमेंट इन्हीं लोगों पर की जाती थी और उसी रिसर्च टीम का लीडर था मिस्टर पार्क। ऐसे लोगों की कमी पड़ने पर वो इलीगल इमिग्रेंट्स यानी अप्रवासी को सप्लाई करने लगे और टेस्ट के कुछ दिन बाद वो सभी मारे गए। आज वही दिन है जब डायरेक्टर किम की मौत की भविष्यवाणी मिस्टर पार्क ने की थी। उन्हीं की सुरक्षा के लिए पूरी पुलिस फोर्स की पहरेदारी को कड़ा कर दिया गया। अब खौफ और आतंक से खूनी का इंतजार हो रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता
कि किस बड़े भयंकर चीज से उनका सामना होने वाला है। तभी जिन्ही एक हुडी पहने हुए लाश को देखती है और देखते ही देखते वहाँ 100 से भी ज्यादा लाशों की फौज खड़ी हो गई। इसका मतलब इस टेस्ट में एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत से गरीब लोगों की बलि चढ़ाई गई है। अब इधर पुलिस भी लड़ने को तैयार है। लाशों के हाथ में वही चिन्ह उभरने लगा। किसी जॉम्बी की तरह अपना शिकार झपटने वो सारे लाश एक साथ दौड़ पड़े। पुलिस उन ताकतवर लाशों के सामने टिक नहीं पा रही, लाश कंपनी के अंदर प्रवेश करने लगी। पुलिस गोलियां चला रही है लेकिन इससे उन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा। वो दोबारा उठ खड़े होकर आगे बढ़ने लगे डायरेक्टर किम के उद्देश्य से। अपनी मौत को यूं करीब आता देख डायरेक्टर किम डर के मारे चिल्लाने रोने लगा। पुलिस कैप्टन जियांग सिंह बोला, उनके यहाँ आने से पहले हमें यहाँ से जल्द भागना होगा। अब बिल्डिंग की सारी बत्ती बुझाने के साथ साथ बाकियों को सीढ़ी के पास तैनात रहने का वो ऑर्डर देता है। इधर डायरेक्टर किम को इमरजेंसी गेट से लिफ्ट में चढ़ाते ही वो लाशें भी वहाँ पहुँच गई। सभी लाशों के हाथों में वही निशान उभरने लगे और कुछ पलों के लिए उसे शेमन का चेहरा दिखता है जो उन लाशों को नियंत्रण कर रहा है। इसके बाद एक एक कर लाश ऊपर से सीधा नीचे गिरने लगी। इतने ऊपर से गिरने पर भी वो फिर से उठ खड़े होते और पार्किंग लॉट की तरफ भागने लगे। एक समय वो डायरेक्टर किम को पकड़ने ही वाले थे कि तभी जिन्ही उन्हें बचाने के लिए अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच गई। अब पुलिस कैप्टन जियांग सिंह डायरेक्टर किम को लेकर जल्दी जल्दी गाड़ी में चढ़कर वहाँ से निकले। लाश भी टैक्सी से उसका पीछा कर रही है। जिन्ही ये सारा कुछ रिकॉर्ड करती है। गाड़ी टनल के अंदर घुसने के साथ ही बाकी टैक्सी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और एक एक कर लाश डायरेक्टर किम की गाड़ी पर कूद पड़े और गाड़ी के कांच को तोड़ने लगे। वो डायरेक्टर किम को मारने पर आतुर हो उठे हैं। उन्हें बचाने की कोशिश में एक लाश ने गार्ड पर हमला कर दिया, साथ ही साथ वो इन्फेक्टेड हो गया। अब लाश डायरेक्टर किम को खींच तांद कर बाहर ले आए। ये भयानक दृश्य देखने के अलावा कोई और कुछ भी नहीं कर सका। किसी जानवर की तरह उन्होंने उसे नोच नोच कर मार डाला और फिर सबने लिसांग की ओर देखकर उसे समझा दिया कि अगली बारी अब उसकी है। बाकी लाशों की तरह काम पूरा होने पर वो भी अंत में जाकर मिट्टी में मिल गए। इधर लाश के हमले से कैप्टन जियांग सिंह के हाथ में खरोच लगी है जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो गया। उसकी हालत बिगड़ने लगी, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। दूसरी तरफ ली चेयरमैन सियांगिल को माफी मांगने के लिए विनती करता है लेकिन चेयरमैन ने कहा, मैं मरे लोगों से माफी नहीं मांगने वाला। इसके बाद ली की मुलाकात चेयरमैन की बेटी मिजोंग से हुई जो कि असली अपराधी है क्योंकि उसी के निर्देश पर उन गरीब लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए गिनी पिग बनाया गया। उसके लिए कंपनी की प्रॉफिट और रेपुटेशन ही सब कुछ है। यहाँ जिन्ही और प्रोफेसर के बीच बात हो रही है। जिन्ही के भेजे वीडियो से प्रोफेसर ने एक अहम बात गौर की कि जिन जिन लाशों के वो निशान बने हुए हाथ शरीर से अलग हो गए थे उन लाशों में कोई भी हलचल नहीं देखी गई। इसका मतलब उन लाशों को रोकने के लिए उन्हें निशान वाले हाथ को अलग करना पड़ेगा। यहाँ अस्पताल में कैप्टन जियांग सिंह की हालत खराब होती जा रही है। उसके शरीर से जहर कम ही नहीं हो रहा। प्रोफेसर ने कहा, जियांग की खराब हालत की वजह जहर नहीं बल्कि उस शेमन के अभिशाप का असर है और उसे बचाने के लिए सबसे पहले शेमन को खत्म करना होगा। इसके बाद सभी मिलकर घटी एक एक घटना को सजाते हैं। सबसे पहले पिलसांग को उस गैंग लीडर से इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में पता चला जिसमें से कोई इंडोनेशिया से भी था। फिर एक महीने बाद एक बाप अपनी बेटी के तलाश में उसके पास आया। उसकी बेटी भी उसी रिसर्च का हिस्सा थी और तब गैंग लीडर ने उसे पार्क का फोन नंबर दिया। किसी तरह उस आदमी को अपनी बेटी की मौत का कारण पता चला होगा और कुछ दिनों बाद मिस्टर पार्क गायब हो गया। हो सकता है उसने ही उसे मारकर उसकी लाश को जीवित किया हो। इसके बाद पार्क ने उस एक्सपेरिमेंट में मरे सभी लाशों से अपनी एक सेना तैयार की। उस शमन को पकड़ने के लिए हमें सबसे पहले उस एक्सपेरिमेंट लिस्ट का जुगाड़ करना होगा जिसमें उन सब के नाम मौजूद है। ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी ली उन मरे सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स लेकर जिन्ही के पास आया और कहा, हमने असल में केमिकल वेपन बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी जिसमें PSP नाम के जहर का इस्तेमाल किया जाता था और इस एक्सपेरिमेंट के लिए जितनों ने भी हामी भरी थी शेमन अब उन सब से प्रतिशोध ले रहा है। लेकिन इन सब के बीच कोई शख्स ऐसा है जो लगातार जिन्ही पे नजर रख रहा है। ली के चले जाने के बाद जिन्ही को ख्याल आया, ये सारे लोग तो उसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के पुराने लैब में मारे गए हैं, तो हो ना हो शमन भी वही मौजूद हो जो वहाँ से लाशों को नियंत्रण कर रहा है क्योंकि उसके खून से ही मिट्टी के पुतले बन सकते हैं। ये अनुमान लगाते ही जिन्ही एक पुलिस सहकर्मी के साथ उस पुराने लैब के लिए निकल गई और इधर पिलसांग शमन का खोज लेने इमिग्रेशन ऑफिस की ओर चला गया।
जिन्हीं के निकलते ही वही शख्स जो उस पर नजर रख रहा था उसका पीछा करने लगा। जिन्ही उस पुराने लैब बिल्डिंग पहुंची और अंदर देखकर तो वो अचंभित हो गई कि एक कमरे के पूरे दीवारों में काले जादू के वही निशान अंकित है जो एक दूसरे से जुड़े हैं और वो किसी जिंदा इंसान की तरह बकायदा सांसें ले रहा है। तभी अचानक से लाशों की सेना ने उन पर हमला बोल दिया। भागते भागते वो एक कमरे में जा पहुंचे जहां एक लाश जिन्ही का गला दबाकर उसे खत्म करने वाला था, ठीक जैसा उसने अपने सपने में देखा था। लेकिन अचानक किसी ने उसे बचा लिया। वो कोई और नहीं सुजिन है। सुजिन उस लाश को अपनी शक्ति से नियंत्रण करने लगी और आखिर तक वो शमन को हरा कर उस लाश पर काबू पाने में कामयाब हुई। अब सुजिन ने जल्दी से जमीन पर एक सुरक्षित घेरा बनाया जिसके अंदर वो अदृश्य हो जाएंगे। अब जिन्ही और सुजिन उस घेरे के अंदर है, लेकिन पुलिस अफसर लाश को रोकने की वजह से बाहर ही रह गया। लाश अब उस कमरे में भी पहुंच गई, लेकिन उन्हें वो दोनों नहीं दिख रहे। फिर जैसे ही उनकी नजर पुलिस पर पड़ी, उसे मारने से पहले ही सुजिन घेरे से बाहर निकलकर उन्हें अपनी शक्तियों से काबू करने लगी, जिससे उनके शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगे और उसके बाद वो निष्प्राण हो जाते। इन सब के बाद सुजिन ने जिन्ही को अपने अतीत और ऐसे अचानक गायब हो जाने के पीछे का कारण बताया। दरअसल मैंने अपने अंदर के उस शैतान को रोकने के लिए ही ये सब किया था। पहले जापान गई, वहाँ रही और फिर चीन के एक मंदिर में जा पहुँची। वहाँ मैं बहुत सारे अलग अलग ध्यान और चिंतन से अपने अंदर के शैतान को काबू पाने की शक्ति को अर्जित करने में सक्षम हुई और फिर एक दिन मैं तुम्हारे उस भयंकर सपने से जुड़ गई जहाँ तुम्हारी जान को मैंने खतरे में देखा। मैं समझ गई कि तुम पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके मैं चीन से यहाँ आ गई। अब कुछ देर बाद जिन्ही को खबर मिली कि अपनी जान जाने के डर से सीईओ ली ने आत्महत्या कर ली है। जान जाने के डर और खौफ से अब चेयरमैन सियोंगिल जिन्ही को इंटरव्यू देने को तैयार है, क्योंकि अब उसकी बारी है। जिन्ही फौरन इंटरव्यू लेने निकल पड़ी और सुजिन उस शैमन के बारे में पता लगाने यहीं रुक गई। उस चिन्ह के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने प्रोफेसर को भी वहां बुलाया गया। प्रोफेसर बोला, ये कोई साधारण चिन्ह नहीं है, इसे खासकर काले जादू में इस्तेमाल किया जाता है। तब सुजिन बोली, ये एक अदृश्य जाल जैसा है, वैसा ही कुछ जो अभी थोड़ी देर पहले सुजिन ने एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बनाया था। फिर नीचे जमीन पर कुछ इंडोनेशिया भाषा में उसे लिखा दिखाई दिया, जिसका मतलब है यहाँ कुछ भी नहीं है। सुजिन के इसे मिटाने के साथ ही सामने की दीवार धीरे धीरे गायब होने लगी और आखिर में एक कमरा उन्हें दिखाई दिया। दूसरी तरफ चेयरमैन इंटरव्यू देने को तो तैयार है, लेकिन वो इस तरह से माफी मांग रहे हैं कि जैसे उन्हें लोगों की मौत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिस पर जिन्ही को गुस्सा आ गया और बोली, मैं इंटरव्यू को तब तक टेलीकास्ट नहीं करूंगी जब तक कि आप दिल से माफी ना मांगे, क्योंकि शमन अपना श्राप तब तक वापस नहीं लेगा। इस पर चेयरमैन की बेटी मिजोंग गुस्सा होकर बोली, तुम वही दिखाओगी जैसा हम कहेंगे, क्योंकि एक तरह से कहा जाए तो ये पूरी कंपनी मिजोंग के ही कंट्रोल में है। पर यहाँ जान के डर से चेयरमैन एक और बार माफी मांगने को तैयार हो गया। अब इधर जो आखिरी कमरा सुजिन और बाकियों को दिखा था, वो दरअसल एक मुर्दा घर है जिसके अंदर एक और कमरा है। यहाँ इमिग्रेंट ऑफिस में डॉक्यूमेंट चेक करने पर एक चौंकाने वाली बात सामने आई। पेलसांग को एक लड़की की इन्फॉर्मेशन दिखी है जो जिन्ही के यहाँ आई नई कैमरामैन जैसी की है, और वो एक इंडोनेशियन है। इसका मतलब वो भी मर चुकी है। पेलसांग ने तुरंत जिन्ही को इसकी जानकारी दी, जिसे देख उसके होश उड़ गए। इसके बाद उसने देखा कि उसके हाथ में भी वही निशान उभर रहे हैं। अब यहाँ मुर्दा घर में उस कमरे के दरवाजे को सुजिन ने जैसे ही खोला, एक बहुत ही तेज धक्के से वो दूर छिटक कर गिर गई। अंदर एक शैमन बैठा है जो ये सारे रिचुअल्स को अंजाम दे रहा है। पूरे जमीन पर वही चिन्ह बने हैं और वो सभी लाशें उसके नियंत्रण में है। वो जैसे के माध्यम से जिन्ही से कहने लगा, मुझे नहीं लगता कि चेयरमैन दिल से माफी मांग रहा है। हाँ, तुम सही समझ रही हो, जैसे दरअसल मेरी ही बेटी है जो परिवार का पेट पालने यहाँ काम करने आई थी, लेकिन इन लोगों ने अनुचित तरीके से मेरी बेटी को मार डाला। और वो आपे से बाहर होकर चिल्लाकर कहने लगा, तुम इतने लोगों का खून करने के बाद भी एक ढंग से माफी मांगने तक में हिचकिचा रहे हो। इतना कहते ही वो उसे मारने आगे बढ़ गया। वो ऐसे उसके पीछे पड़े कि कोई बॉडीगार्ड्स उसके सामने टिक नहीं पा रहा। वही दूसरी तरफ उस शैमन ने सभी पुलिस वाले को रोके रखा है ताकि उसके काम में बाधा ना बने। बस एक सुजिन ही है जो किसी तरह अपनी शक्तियों से सारे बाधाओं को पार कर उसके पास बढ़ रही है। एक समय ऐसा आया जब जैसी चेयरमैन को छूने ही जा रही है, और इधर सुजिन भी शैमन के पास पहुंच चुकी है और उसे श्राप देने लगी।
दोनों की असीम शक्तियों के बीच एक भयंकर लड़ाई चल रही है और आखिर में शेमन की शक्ति सुजिन के सामने हार गई। एक बार फिर अपनी बेटी को खोता देख उसकी आंखें भर आई। सुजिन से उसका दर्द देखा नहीं गया। उसने हाथ में उसकी बेटी का वही पुतला थमा दिया और इसके साथ शेमन के खत्म होते ही सुजिन भी बेहोश हो गई। अंत में चेयरमैन की जान बचा ली गई, लेकिन अपने पिता को जिंदा देख मिजन को कोई खुशी नहीं हो रही। एक तरफ एक बाप अपनी बेटी के लिए मर मिटने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ एक बेटी अपने बाप को मारना चाहती है। मिजोंग ने उसी लाश की उंगली से जैसे ही चेयरमैन के चेहरे पर निशान लगाया, साथ ही साथ बाकियों की तरह उनकी भी वही मौत हो गई। मिजोंग खुद इस कंपनी के एकमात्र मालिक बनना चाहती है जिसके लिए उसने सब कुछ किया। अब वो रोने का नाटक करने लगी, मगर वो ये भूल बैठी कि चेयरमैन के कोर्ट में लगे डिवाइस से उसकी ये सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी है। वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। अब यहाँ सुजिन जिन्हीं से कहती है, उस शेमन ने सिर्फ कंपनी के ऊपर ही नहीं बल्कि अपने ऊपर भी प्रतिशोध लिया है। उसे श्राप देते वक्त उसकी बेटी के साथ बचपन की बिताए उन पलों को देख मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने खुद मेरे हाथों को जोर से पकड़कर कहा, तुम मेरी तरह गलती कभी मत करना। मैं काले जादू और अंदर के शैतान में इतना ही अंधा हो गया था कि अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सका, जिसकी वजह से मेरी बेटी को काम की तलाश में यहाँ आना पड़ा। इस मौत से अब वो अपने पापों से भी मुक्त हो चुका है। इधर अस्पताल में जिन्ही का पति भी अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। इस हादसे के 3 महीने बाद चेयरमैन की बेटी पैसे के दम पर बाहर निकल आई और यहाँ जिन्ही उसे पुलिस के सामने सब कुछ कबूल करने को कहती है, नहीं तो सुजिन उसे अपनी श्राप से मार डालेगी और शायद इस बार मिजोंग अपना सच कबूल कर भी ले। लेकिन इस कहानी का अंत एक और नई कहानी की शुरुआत से हुआ, जहाँ हुडी पहने एक शख्स छुरा लिए जमीन पर कुछ चिन्ह लिख रहा है। पता नहीं ये नई कहानी क्या नया राज अपने साथ लेकर आएगी। फिलहाल ये कहानी मैं यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट पक्के से करें। कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग मूवीज ट्राइब। लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर।